तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं स्क्वाड गेम का एक पोस्टर, वो भी इस कलर का यूज करके। ये कलर जो है दोस्तों सॉफ्ट पेस्टल है और सॉफ्ट पेस्टल का यूज करके मैंने एक भी ड्राइंग यूट्यूब पे नहीं बनाया है, तो आप लोगों को भाई ये वाला वीडियो देख के बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस वीडियो का यह टारगेट रखता हूँ सिर्फ 3000 लाइक्स का, तो उम्मीद करते हैं यार आप लोग जरूर कर दोगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ड्राइंग को करने के लिए दोस्तों मैं यूज़ करूँगा देख सकते हो बूस्ट्रो ड्राइंग पेपर का, और यहाँ पर देख सकते हो 200 GSM का पेपर है ये। I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. जब भी दोस्तों आप लोग कोई भी आउटलाइन को बनाते हो तो सबसे पहले प्रोपोर्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए और लाइट करके बनाइए जो भी बना रहे हैं। आउटलाइन को दोस्तों मैंने बना लिया है, अभी मैं कलर को करूंगा। और कलर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहता हूँ, इस कलर को यार किस तरीके से यूज किया जाता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पहले, उसके बाद कलर को शुरू करूंगा। तो चलो यार डेमो को पहले देख लो। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये मेरा पुराना वाला सॉफ्ट पेस्टल है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा डेमो। तो इस तरीके से यार कलर को मैं करूंगा, और कलर को करने के बाद इस तरीके से फिंगर की मदद से मैं कलर को ब्लेंड करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं हर एक कलर को यूज करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मैं ब्लेंड करूंगा एक एक करके। अगर कोई भी कलर आप लोगों को मिक्स करना है तो इस तरीके से कीजिए, दोनों कलर को एक साथ मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद इस तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पर भाई आप लोग देख सकते हो कलर जो है बहुत ही सॉफ्ट है, कलर का नाम ही है यार सॉफ्ट पेस्टल, तो सॉफ्ट तो जरूर होगा। तो इसी टेक्निक का यूज करके मैं पूरे ड्रॉइंग को बनाऊंगा। तो चलो यार कलर को शुरू करते हैं। जिस तरीके से दोस्तों मैंने मिक्सिंग को दिखाया है सेम तरीके से मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं मिक्सिंग को किस तरीके से कर रहा हूँ, दोनों कलर को मैं एक साथ यूज करके ब्लेंड कर रहा हूँ, तो इजीली ये हो जाता है। अभी दोस्तों इस फेस को मैंने बनाया है सिर्फ, और थोड़ा सा पोर्शन अभी भी बाकी है देख सकते हो। अभी दोस्तों मैं बैकग्राउंड पे कलर करूंगा, क्योंकि नीचे अगर मैं कलर करता हूँ तो उस टाइम पे यार प्रॉब्लम हो सकता है, हाथों पे पूरा जो कलर है वो लग जाएगा। उसके लिए आप लोग कोई भी पेपर यूज कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे दे के उसके बाद कलर कर सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं बैकग्राउंड को कलर करूंगा।
तो ये है दोस्तों फिक्सेटिव स्प्रे, मैं ड्राइंग के ऊपर इसका यूज करूंगा। तो दोस्तों इस कलर का यूज करके आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से यार कलर को कर सकते हो। मुझे तो यार बहुत ही बढ़िया लगा इस कलर का यूज करके, तो उम्मीद करते हैं यार आप लोगों को भी बहुत ही बढ़िया लगा होगा। और ये कलर जो है भाई इतना ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यार कलर होता है। तो इस ड्रॉइंग को यार करने में सच में यार मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया है। तो आप लोग अगर सॉफ्ट पेस्टल को अभी तक ट्राई नहीं किया हो तो जल्दी से कर लो यार, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और आप लोग दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप लोग चेक कर सकते हो और फॉलो भी कर लेना भाई। और वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर करो, मैंने 3000 का टारगेट रखा है तो जल्दी से करो यार। और चैनल पे अगर नए हो तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, 500K भाई जल्दी से बना दो यार, बहुत दिन से यार वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बनाओ। तो आप लोग भाई इस ड्राइंग का मजा लो।